तो दोस्तों फाइनली टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर अब सेमीफाइनल में कदम रख चुकी है। टीम इंडिया ने 6 में से 6 मैच जीत लिए हैं, 12 पॉइंट टीम इंडिया के हो गए। अब ऐसे में टीम इंडिया को क्या चाहिए, 3 मैच बाकी हैं, 1 मैच जीत जाए टिकट पूरा कंफर्म हो गया। अब पॉइंट टेबल देखिए, इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया 6 मैच में से 6 जीत के साथ 12 पॉइंट है, नेट रन रेट 141 का है। अब टीम इंडिया के 3 ही मैच बाकी हैं, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से और नीदरलैंड से। टीम इंडिया को सिर्फ 1 मैच जीतना है, 14 पॉइंट के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, टीम इंडिया के सामने क्वालिफाई लग जाएगा। और वहीं इंग्लैंड जो आज का मैच भी 100 रनों से हार गई, 229 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाई इंग्लैंड, और 6 में 1 जीत के साथ सबसे नीचे है 10वें नंबर पर, और इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। तो दोस्तों दो टीमें तो पूरी तरह इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, एक इंग्लैंड और दूसरी बांग्लादेश, क्योंकि दोनों के 6-6 मैच कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक एक मैच ही जीता है, और 3 मैच जीत भी जाएंगे तब भी 8-8 पॉइंट इनके हो पाएंगे, और उम्मीद नहीं कि ये बाकी मैच भी जीतेगी जिस तरह इनका प्रदर्शन रहा है। तो बांग्लादेश और इंग्लैंड तो पूरी तरह इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और टीम इंडिया पूरी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गई है।